देखेंगे प्रदेश बंध। प्रदेश बंध किसको कहते हैं? परमाणु की जो संख्या है उसका जो प्रमाण है, नंबर ऑफ परमाणु, टोटल नंबर ऑफ परमाणु जो एक समय में बनते हैं, तो उसमें तो हम कह सकते हैं कभी उत्कृष्ट बंध हुआ। उत्कृष्ट बंध हुआ का अर्थ होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणु का बंध हुआ, सर्वोत्कृष्ट जो बन सकते हैं उतना बंध हुआ, तो उसको कहेंगे हम उत्कृष्ट प्रदेश बंध। और यदि उत्कृष्ट नहीं होता तो क्या कहेंगे? अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध। यहाँ प्रदेश बंध की बात चल रही है, यहाँ ऐसा नहीं कहना कि 70 कोड़ाकोड़ी सागर वाला वो उत्कृष्ट प्रदेश बंध है, जरूरी नहीं है। क्यों? परमाणु की जो संख्या है वो किस पर निर्भर है? हमने पहले देखा था योग पर। जहाँ योग ज़्यादा है वहाँ परमाणु की संख्या ज़्यादा ग्रहण की जाती है, और जहाँ योग कम है वहाँ वो परमाणु की संख्या कम ग्रहण की जाती है। हर एक जीव के ने एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक अपनी अपनी जो योग की जो कोई रेंज है वो अलग अलग है। एकेंद्रियों में कम है, द्विंद्रियों को उससे अधिक है, ऐसे पंचेंद्रियों तक। अकेले संगी पंचेंद्रियों की भी बात करेंगे तो भी उनके जघन्य योग से उत्कृष्ट योग तक बहुत सारे वेरिएशन यानी स्थान पाए जाते हैं। जघन्य योग से लेकर उत्कृष्ट योग तक बहुत सारे स्थान, असंख्यात स्थान पाए जाते हैं, यानी वो असंख्यात गुना हो जाता है। कभी जघन्य योग होगा, कभी और उसके अधिक वाला होगा, कभी उससे अधिक होगा, कभी टॉप मोस्ट होगा। तो कभी जब जघन्य योग है तो उसका समय प्रबद्ध भी जघन्य होगा, और जब योग मैक्सिमम होगा तो समय प्रबद्ध में जो परमाणु है वो भी मैक्सिमम होगा। तो ये जो प्रदेश बंध है वो जघन्य भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है, यानी उसमें चारों भेद हो सकते हैं। उत्कृष्ट, जब उत्कृष्ट योग है तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध होगा। समय प्रबद्ध में परमाणु तो अनंत होते हैं, परंतु उस अनंत के भी अनंत प्रकार होते हैं, तो कभी छोटा वाला अनंत होगा, कभी बहुत बड़ा वाला अनंत होगा। तो जब प्रदेश बंध की बात करते हैं तो उसमें उत्कृष्ट परमाणुओं का बंध होगा तो उसको हम कहेंगे उत्कृष्ट प्रदेश बंध। उत्कृष्ट नहीं होगा उसको कहेंगे अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध। अब उन्हीं परमाणुओं की बात हम जघन्य की ओर से देखेंगे। जब जघन्य नहीं होता है तब कहेंगे अजघन्य है, और जब मिनिमम पॉसिबल है यानी जब योग भी अत्यंत जघन्य है तब कहेंगे उसका जघन्य प्रदेश बंध होता है। और भी एक बात है, ये जो प्रदेशों का बंटवारा होता है वो तो बाद में अपना विषय चलेगा, प्रदेशों का बंटवारा कैसा होता है, कौन से कर्म में कितने परमाणु चले जाते हैं, क्योंकि एक समय में तो कभी 7 या कभी 8 प्रकृतियों का बंध होता है, तो हर एक प्रकृति में उसके खाते में कितने कितने पैसे जमा होते हैं, परमाणु कितने चले जाते हैं, उसका बंटवारा कैसा होता है, तो उसकी बात तो चल के आगे आएगी। यहाँ ऐसा समझना, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रकृतियाँ बंधेगी, अधिक से अधिक प्रकृतियाँ बंधेगी, वहाँ हर एक प्रकृति में कम द्रव्य जाएगा, कम माल जाएगा, कम पर उसके खाते में, उससे हिस्से में कम परमाणु आएंगे। हमने देखा है जब मिथ्या तो गुणस्थान में, अभी आयु की बात हम छोड़ देंगे अलग से, या आयु को भी पकड़ के बात करेंगे, तो 8 कर्मों का बंध होता है। 6 कर्मों का बंध कहाँ होता है? 10वें में। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो आयु का बंध कहाँ तक होता है? अभी तीसरे में नहीं होता, वो बात छोड़ दें, 7वें तक होता है। और 8वें गुणस्थान में आयु का बंध होता नहीं है, अन्य सभी कर्मों का बंध हो रहा है। तो वहाँ जो माल है हर एक मूल प्रकृति में जाने वाला वो अधिक होगा। जब आयु उसके साथ बनती है तो 8 में डिवीजन होगी, आयु नहीं बन रही है तो 7 में होगी। 9वें गुणस्थान तक तो 7 का बंध होता है। 10वें गुणस्थान में जहाँ सूक्ष्म लोभ का उदय है वहाँ मोहनीय का बंधन नहीं होता, मूल प्रकृति जो मोहनीय है उसका बंधन नहीं होता है, तो कितने में सारा विभाजन होगा? 6 में होगा। अब और आगे बढ़ेंगे, 11वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियाँ बनती है, अभी अपना ये विषय नहीं चलेगा,
तो वहाँ एकमात्र साता वेदनीय बनती है, एकमात्र साता वेदनीय का बंद होता है। तो जो पूरा का पूरा समय प्रबद्ध किसके खाते में जाएगा, एक साता वेदनीय में चला जाएगा, और है तो एक समय वाला, तो जितना आएगा उतना उसी समय वो हाँ खिर जाएगा। तो इस तरह से ये हम प्रदेश बंध में, जहाँ सर्वोत्कृष्ट प्रदेशों का बंध होता है, प्रदेश यानी परमाणु, जहाँ परमाणुओं की संख्या अधिक से अधिक है वहाँ कहेंगे उत्कृष्ट प्रदेश बंध, जहाँ उत्कृष्ट नहीं है उसको कहेंगे अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध। और ये किस पर निर्भर है, तो योग पर निर्भर है। योग क्या है, आत्म प्रदेशों का चंचलपना, और उसमें निमित्त रूप क्या देखा था हमने, कौन से कर्म का उदय हमने निमित्त रूप से देखा था, याद है, शरीर नाम कर्म का उदय। जब हम कर्म की बात कर रहे हैं तो कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में आत्म प्रदेशों का जो वहाँ कंपन पाया जाता है उसको योग कहते हैं। उसमें कर्म को आकर्षण करने की जो शक्ति है उस शक्ति को भाव योग कहेंगे, और वहाँ जो एक्चुअल कंपन है हाँ उसको स्पंदन जो कहो तो उसको कहेंगे द्रव्य योग। ये द्रव्य योग और भाव योग दोनों आत्मा में घटित करना है। हम द्रव्याश्रव भावाश्रव द्रव्य बंध भाव बंध में क्या करते हैं, एक जीव पर घटित करते, एक पुद्गल पर घटित करते, यहाँ ऐसा नहीं है। तो शरीर नामक नाम कर्म के उदय में, यहाँ तो हम कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में आत्म प्रदेशों की जो कोई शक्ति है, योग जो है, तो उसके कारण प्रदेशों का जो ग्रहण होता है, कर्म परमाणु का ग्रहण होता है, का अर्थ क्या है, कारमान वर्गणा है वो कर्म रूप से परिणमित होती है, उसको ही हम कहते हैं कर्म का ग्रहण होना। कहीं बाहर से खींची नहीं चली आती कारमान वर्गणा, यहाँ अपने आत्म प्रदेशों में अनंतानंत परमाणु तो अनंतानंत है, उसमें जो कारमान वर्गणा टाइप वाले जो कोई परमाणु है वे स्वयं कर्म रूप परिणमित होते हैं, और वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, ये इसका प्रदेशों का बंध हुआ, इतने परमाणुओं का ग्रहण हुआ। क्योंकि सभी के सभी परमाणु तो कर्मरूप नहीं होते, जीव के कारण अगर वो होते, जीव ने मोह राग द्वेष किया इसलिए कर्म का बंध हुआ, इसलिए कारमान वर्गणा कर्मरूप हुई, ऐसा अगर कहेंगे तो जितनी है उतनी सारी ही टर्न होनी चाहिए थी, पर उसमें से बंध योग्य परमाणु ही कर्मरूप होते हैं, जिसमें वो योग्यता रूप पड़ी है, योग्यता जिन परमाणुओं में वही कर्मरूप होते हैं, सभी के सभी तो नहीं होते। देखो कर्णानुयोग में भी एक एक जिसको कहेंगे पग पग पर, ये निमित्त उपादान का ये सिद्धांत सिद्ध हो जाता है कि निमित्त से कुछ नहीं होता। यदि निमित्त से होना होता तो सारे कर्म कारमाण वर्गणाएँ कर्मरूप होनी चाहिए थी, परंतु वे ही होती है जो योग्य होती है, जो उस रूप परिणमने की योग्यता जिनमें पड़ी है उस समय, बाद में उसमें से भी और चली आएगी।